इमरान रियाज खान तो हर वक्त हाजिर हैं, वो तो कहते हैं कि कोई अगर वो कानून तोड़ें, कोई चीज़ करें तो भी बात है। इस तरह से मज़लूम बेगुनाह लोगों को इस तरह से करना, इसकी तो जितनी मज़म्मत करें वो कम है। हमारी सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह से काम किया है इंतखाबी निशान लोगों को, बड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत मिस कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्होंने इस कौम की खातिर अपनी ज़िंदगी वक्फ की हुई है। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ सिद्धार्थदीप खान और आप देखें GNN। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो शख्सियत मौजूद हैं कि इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी रहे, मुश्किल वक्त में भी खड़े रहे हैं। सेनेटर फैसल जवेद साहब मौजूद हैं, बड़े अरसे बाद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, माशाल्लाह आप इतने अरसे बाद जो है वो मंजर आम पर आएँ, और क्या कहेंगे जो पार्टी के मुश्किल वक्त में भी आप खड़े रहे हैं और अभी भी आप खड़े हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में भी पेश हो रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है इन मुश्किल के बाद दोबारा फील्ड में आना? अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं कि अल्लाह सब्र और इस्तकामत अता फरमाए हर इंसान को। और मुश्किल वक्त है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जेलों में कैद हैं, मज़लूम बेगुनाह लोग, उनकी रिहाई जो है अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। पब्लिक ने इमरान खान साहब को मैंडेट दिया है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इमरान खान साहब की तहीद की है और उनको वोट दिया है। उसके बाद नंबर वन मुतालबा यही है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उनकी अहलिया को रिहा किया जाए, और बाकी जितने भी हमारे लोग हैं जो कि बेगुनाह लोग हैं, जो कि मज़लूम हैं, उन सबको रिहा किया जाए। ये है, देखिए पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी आप चीज़ उठा के देखें, किसी चीज़ में पाकिस्तान ग्रोथ हासिल नहीं कर सकता जब तक इंसाफ कायम नहीं होता। इंसाफ एक अल्टीमेट ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। जहाँ इंसाफ नहीं है वहाँ खुशहाली नहीं आ सकती। इंसाफ का निज़ाम कायम करना हम पे फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला का हुक्म है, और इंसाफ का निज़ाम राय जो ये ही एक पॉइंट है जिसको हर सतह पे उठाने की ज़रूरत है। फैसल भाई, ये बता दीजिए कि पाकिस्तान तरीके साफ को मैंडेट भी मिला है और इमरान खान साहब से भी हमारी मुतद मुलाकातें उतरी, उन्होंने कहा है कि मैं अपने कैंडिडेट से भी मुतालबा करता हूँ कि वो RO के दफ्तर के बाहर अपना पूरा मंथ पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह रिकॉर्ड कराएँ। आपको लगता है PTI की क्यादत उस तरह प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही है जिस तरह इमरान खान साहब की दयात आई? देखिए, आप मुलाकात आप करते रहते हैं, हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। और जो पार्टी लीडरशिप है उनमें से एक जो हमारी कोर कमेटी है, वो लोग फैसले कर रहे हैं और वो उनकी हदायत के मुताबिक जो भी हिकमत अमली है वो वहाँ से आती है। हम लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि हम पब्लिक में जब देखते हैं जिस तरह से लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हमने तो वोट इमरान खान को दिया है लेकिन काउंट कहीं और किया गया है, 45 में वोट कुछ और है और 47 फॉर्म में वोट कुछ और है, तो इसके ऊपर तो पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अपने हक के लिए पुरअमन तरीके से कानून के अंदर रहते हुए एहतजाज हमेशा इमरान खान साहब ने यही हदायत दी है। ऐसी सूरत हाल में जिन जिन हलकों में जो जो अब देखे ना, 180 सीटें इमरान खान की ना करते नेशनल असम्बली की बनती ही बनती हैं, तो इसके लिए पुरअमन तौर पे भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, पुरअमन एहतजाज, और अपना हक हासिल करना चाहिए। पहले सब ये बताइए, जो जिन लोगों ने इमरान खान साहब के नाम पर टिकट भी लिया, उनके नाम पर वोट भी लिया, लेकिन वो मरियम नवाज साहब को प्यारे हो गए, 22 MPA PTI की जो PTI के नाम पर इमरान खान के नाम पर जीते आज़ाद इसी से, वो नून लीग में गए, तो उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखें, ये पब्लिक खुद फैसला कर देती है। जो आप देख लें, उनकी पॉलिटिकल करियर लोगों का ख़त्म हो जाता है, थोड़े वक्त के लिए तो वो गेन कर लेते हैं लेकिन काम है। अच्छा, एक और सबसे बड़ी चीज़ है, कुरान मजीद में एक है, असल कामयाबी है क्या? असल जो कामयाबी है ना, इंसान की ज़िंदगी का जो मकसद है वो एक है, अल्लाह की खुशनुदी और रजामंदी हासिल करना। अगर हम वही नहीं कर रहे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम इधर उधर हो रहे हैं, तो फिर तो ज़िंदगी में असल कामयाबी नहीं है, इसलिए वो नाकामी है। तो कामयाबी जो है, असल कामयाबी तो कुछ और चीज़ है। ज़िंदगी का तो देखें सरदार तैयब साहब, ज़िंदगी का तो कुछ पता नहीं है ना, किसी भी वक्त ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप असल कामयाबी नहीं हासिल कर रहे, जो कि इसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होनी है, जो कि ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उसके लिए कामयाबी हासिल करना मकसद होता है। इंसान को अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, और अगर इंसान जो है उससे हटता है और छोटी छोटी गेंस के लिए इधर उधर होता है, तो ये तो उसकी नाकामी है ना। अगर थोड़े वक्त के लिए आप उसको कामयाबी दुनियावी तौर पे समझ भी लें, ऐसी ज़िंदगी और ऐसी कामयाबी का क्या फ़ायदा? फैसल साहब, ये बताइएगा, आज़ादी हज़ार राय पर भी कदम लगाना शुरू कर दी गई है, इमरान रियाज साहब को दोबारा 3rd मरतबा गिरफ़्तार कर लिया गया, इस वजह से क्या कहें? देखें,
बड़ा अफसोस है। और किस चीज़ के ऊपर किया है? वो तो इमरान रियाज खान तो हर वक्त हाजिर हैं, वो तो कहते हैं कि कोई अगर वो कानून तोड़ें कोई चीज़ करें तो भी बात है। इस तरह से मज़लूम बेगुनाह लोगों को इस तरह से करना, इसकी तो जितनी मज़म्मत करें वो कम है। और इसलिए मुतालबा करते हैं कि आप कानून के मुताबिक और उसके मुताबिक इंसाफ देखें। इंसाफ होगा तो माशरा आगे जाएगा। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हक और सच की आवाज़ उठाते हैं वो, और हक और सच की आवाज़ उठाना, अगर कहीं पे वो कानून तोड़ते हैं, कभी इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ नहीं रहा कि जी अगर कानून तोड़े तो कुछ ना करें। कानून तोड़े तो फिर ज़रूर कानून हरकत में है, लेकिन इस तरह बेगुनाह चीज़ों के ऊपर यूं करना, ये तो देखें किसी सूरत जो है ना। ये फिर ये है कि अल्लाह ताला का जो फरमान है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है, उसकी हम ख़िलाफ़ वर्जी जो है वो सर अंजाम देते हैं। सर लास्ट में ये बताइए कि अपने कप्तान इमरान खान साहब को क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? बस बहुत मिस कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको मज़ीद सब्र और इस्तकामत अता फ़रमाए। उन्होंने इस कौम की खातर अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की हुई है, और उनका जीना मरना पाकिस्तान में है, वो अपनी कौम में है, और ये अपनी कौम के लिए कर रहे हैं। कोई और इनकी जगह होता, कोई और भी होता, पीटीआई का भी होता, कोई और होता, और इस तरह से जिस तरह से उन्होंने एक वो कहते हैं सेल्फ लेस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, इस पाकिस्तान के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो किया, इस पर तो वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी जल्द ये मुश्किलात में आसानी लाए। देखें, इमरान खान ने कभी भी इस कौम को मायूस नहीं किया, और इस कौम ने भी 8 फरवरी को आपने देखा इमरान खान को मायूस नहीं किया। अब कौम ने उनको भरपूर उनकी पजराई कर दी है, उनको मैंडेट दे दिया है, इमरान खान साहब को अब रिहा किया जाए और मुल्क अगर आगे जाएगा। देखें, एक लीडर है कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में, एक लीडर आया जिसने कौम को यूनाइट किया। ये कौमी यकजहती बहुत बड़ी जीत होती है, कौम का शऊर आ जाना, कौम के अंदर शऊर बेदारी आ जाना, और ये बहुत बड़ी जीत होती है। कौमें कहाँ से कहाँ तरक्की कर जाती हैं, लेकिन उनकी बात मानी जाए, उस कौम की बात मानी जाए। अगर हम ये कर देते हैं, यकीन करें, इमरान खान ने कितना प्यारा मैसेज दिया है, कितना प्यारा मैसेज दिया, फतेह मक्का वाला मॉडल जो है वो अपनाएंगे, कितना प्यारा मैसेज है, मुल्क ने यूँ तरक्की करनी है। और नेल्सन मंडेला की जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन पॉलिसी है, अल्टीमेट ज़रूरत है इस मुल्क की, वो आ जाए, आप देखें इस मुल्क को तरक्की करने से कोई रोक ही नहीं सकता। नौजवान आबादी आप देखें, तैयब 70% तो नौजवान हैं, 40 साल से कम उम्र लोग हैं। इतनी बड़ी पोटेंशियल पाकिस्तान में, इतनी तरक्की करनी है। हमने आईटी में जो गाँव देहातों में टैलेंट आई थी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, शहरों में तो है लेकिन गाँव देहातों में जो है, हम $3 बिलियन को मुश्किल से, $10 बिलियन भी कुछ नहीं, हमारे हमसाय मुल्क $100 बिलियन को क्रॉस करा एक्सपोर्ट्स में, आईटी एक्सपोर्ट्स में। हम कर सकते हैं, हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं। ये ऐसी दो चीज़ें बहुत बड़ी हमारी पोटेंशियल है तरक्की के लिए, हमारी नौजवान आबादी और आईटी का फ्यूचर। हम बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन कौमी यकजहती। तो कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर आया जिसने कौम को मुतहद किया है, वो इमरान खान है। एक बड़ा नादर मौका है हमारे पास कि हम अगर इधर कर जाएं, अब यकीन करें जो यहाँ पे आना है, इन्वेस्टमेंट आनी है, कमाल की आनी है। देखें, सबसे बड़ी जो क़यादत और अवाम के बीच में अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सर लास्ट में ये बताइए, बानी चेयरमैन ने कल अपना जो खाता IMF को भिजवा दिया है, जल्दी आज कल में शाया हो जाता है, तो क्या कहेंगे? क्योंकि अब जो हुकूमत है वो इल्ज़ाम लगा रही कि मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं खान साहब IMF को खत लिख। नहीं नहीं नहीं, इमरान खान मुल्क दोस्ती कर रहे हैं, भरपूर तरीके से इस मुल्क का सोच रहे हैं, और उनकी बात को समझा जाए। मैंने जब ये बात की है ना, जब क़यादत और अवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट होता है ना, मुल्क आगे नहीं जाता। इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना है कि जिस पे एतमाद है कौम को, वो है कभी भी IMF को इमरान खान नहीं रोकते कि पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट है खुदा ना खास्ता, नहीं, कतन नहीं। पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं इस वक्त, और इमरान खान साहब इन मसाइल को हल करने के लिए जामे पॉलिसी देते हैं, इकोनॉमिक बेहतरीन पॉलिसी इमरान खान साहब दे रहे हैं इस वक्त। और मेरा ख्याल है कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए, और ये जो क़यादत ऐसी होनी चाहिए, अवाम के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों
आपको आप देखिएगा यह आखिरी बार होगी आप IMF की आपको बाद में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके अपने ओवरसीज़ जो है ना वो पाकिस्तानी जो हैं उन्होंने मुल्क शहबाज सरकार PDM दोबारा आ रही है मैदान में, तो इसको कैसे कब तक चलती हुई आपको नज़र आ रही है? वही बात है कि अगर आवाम के मैंडेट से हुकूमत नहीं आती है तो फिर वो देरपा हुकूमत हो ही नहीं सकती है। ये बड़ी एक वो है, आवाम कुछ और तरफ जा रहे हैं और हुकूमत कुछ और तरफ, ऐसे होता नहीं है, ये आर्टिफिशियल काम चलता नहीं है। काम वो चलता है जो आपका ऑर्गेनिक होता है, और वो 8 फरवरी को लोगों ने वो बता दिया है। उस मैंडेट की अगर हम नहीं करेंगे तो लोगों का फिर ये जो देखें ना, लोगों ने फिर भी इतनी पाबंदियाँ, बैट बंद, बल्ला बंद, लीडर बंद, पूरी PTI की क्यादत बंद, इंटरनेट बंद, फ़ोन बंद, सारी चीज़ें बंद, लेकिन आवाम का जज्बा बुलंद, आवाम ने फिर भी निकल के वोट दिया। जब ऐसा कर दिया आवाम ने, जब कौम ने ऐसा कर दिया, तो ये बहुत बड़ा नादर मौका है कि हम अपनी डायरेक्शन जो है उसको ठीक करें। वरना अगर उन्होंने सिस्टम पे एतमाद किया है आवाम ने और वोट दिया है कि जी हाँ ये सिस्टम चलेगा, हम वोट देते हैं, जब उन्होंने एतमाद आप पे कर दिया है, सिस्टम पे कर दिया है, तो ये बड़ा नादर मौका है कि हम इसको आगे लेके जाएं। चौथी बार बड़े बड़े इश्तहार दिए गए, चौथी बार नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो चाह रहे थे कि उनको दो तीन सीट दी जाती, हर तरह से दी जाती, ये सारे नेट वगैरह बंद करके जिस तरह भी होता। अब आम इश्तहारों पर तो नहीं देते ना वोट, वो तो कारकर्दगी पर देते हैं। माजी में बार बार ये लोग आते रहे 30, 35, 40 साल से, तो आवाम ने कहा नहीं इश्तहार आपके नहीं चलने के हैं, और इश्तहार से कुछ भी नहीं हुआ, पैसे ज़ाया हुए उनके, और लोगों ने जो है वो अपना फ़ैसला दे दिया। और पहले जिस तरह इमरान खान साहब कहते थे, इनकी सारी कारकर्दगी भी इश्तहारों में ही होती थी, ग्राउंड पर नहीं होती थी, तो इसलिए वज़ीर आज़म भी इश्तहारों में ही बने हैं कि ग्राउंड पर नहीं बन रहे। सर, इलेक्शन से बाद हमारी जब खान साहब से मुलाकात, उन्होंने कहा मेरी सोशल मीडिया ने इनको भरपूर एक्सपोज भी किया, उन्होंने कहा मैं अपनी सोशल मीडिया पर मुझे फ़ख्र है, उनको मैं खराज तस्सीम पेश करता हूँ। आप PTI की सोशल मीडिया को क्या पैगाम दें, जो वॉलंटियर भी हैं, जो दूसरे भी हैं, उनको क्या मैसेज? नहीं, ये तो एक रेवोल्यूशन ले आया है, क्योंकि ये हमारी सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह से काम किया है, इंतखाबी निशान लोगों को बड़ा मुश्किल था, चैलेंजिंग था, काफ़ी ज़बरदस्त, यही मैं कह रहा हूँ, यही पाकिस्तान की पोटेंशियल है, ये नौजवान पाकिस्तान की, इनके आइडियाज़, इनकी चीज़ें, ये हम इनको पाकिस्तान के लिए इतना ज़बरदस्त चीज़ें ये कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है, ये मुल्क के लिए किया है ना, एक लोगों के लिए। तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया टीम का बहुत ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। मैंने कोई 50 डिजिटल जलसे किए और कमाल के जलसे हुए, और हमारी पूरी सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह से मेहनत की है, जो आइडियाज़ लेके आए, मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और कमाल कर दिया उन्होंने। और उन्होंने ये देखें, ये रेवोल्यूशन इस तरह सोशल मीडिया टीम लेके आई है कि अर्बन एरियाज़ में तो अब पहले ही एक था, लेकिन रूरल एरियाज़ में कमाल कर दिया। और टिकटॉकर्स जो हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना, वो तो इतने क्रिएटिव हैं, और लोगों ने ख़ुद से भी जो कुछ किया है, अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड, अनबिलीवेबल।